दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 10 जून थर्सडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत पूरी तरह तैयार है कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए, और खुदा ना करे अगर कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को मुतासर करेगी उनके लिए भी हुकूमत तैयार है। 1000 बेड्स को तैयार किया गया है नीलोफर हॉस्पिटल में, जिसमें 3000 बेड्स एक्स्ट्रा रखे गए, साथ ही डॉक्टर्स में भी इजाफा किया जाएगा, नए डॉक्टर्स को चुना गया है। DGPM महेंद्र रेड्डी ने रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को कहा कि लॉकडाउन को पुलिस ने अच्छे से नाफिज किया और अमलावारी बनाया है, और जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उन पर केसेस दर्ज किए जा रहे थे या उन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा था। अभी तक 7 जून तक 8 लाख केसेस दर्ज किए गए हैं इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में। उन्होंने ये भी कहा कि इंजेक्शन दवाई और ड्रग्स की कालाबाजारी करने के जुर्म में 160 लोगों पर केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वेनेसडे के दिन तेलंगाना रियासत की हुकूमत को डांट लगाई क्योंकि तेलंगाना हुकूमत देरी कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल के फिक्स प्राइस का GO जारी करने, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत को सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल और ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए फिक्स प्राइस GO ऐलान करने। कोर्ट ने कहा कि हुकूमत को जल्दी करना होगा और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट्स को ज़्यादा चार्ज करे थे उन्हें पैसे वापस लौटाना होगा पेशेंट्स को। इंडिया ने आज मौत के आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया में पिछले 24 घंटों में 6148 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की मौत हुई है और 94,054 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए पिछले 24 घंटों में, और तेलंगाना रियासत में 14 लोगों की मौत हुई है कोरोना के सबब पिछले 24 घंटों में, और नए कोरोना पॉजिटिव केसेस 1,798 पेशेंट्स दर्ज किए गए। JHMC हदूद में 174 केसेस सामने आए और डिस्ट्रिक्ट में 1,624 केसेस सामने आए। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि आने वाले 4 दिनों के अंदर 6 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये 6 लाख लोग में शामिल रिलीजियस लीडर, पुजारी, इमाम, चर्च के फादर्स, मस्जिदों की टीम, चर्चों की टीम और मंदिरों की टीम, इन तमाम इबादतगाह के लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जाएगा आने वाले 4 दिन के अंदर। इस 6 लाख की गिनती में शामिल 16,000 डायलिसिस और तलसीमिया के पेशेंट्स भी शामिल है, 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स, 25,000 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टाफ, 45,000 पावर सेक्टर स्टाफ, 5,000 एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़, कुल मिला के 6 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा आने वाले 4 दिन के अंदर। कम उम्र वाले मोहम्मद नबील, जो मजाक में दोस्तों के साथ WWE फाइट किए थे, स्ट्रीट फाइट किए थे मिर्चौक के इलाके ओल्ड सिटी हैदराबाद में मई 2015 को, अचानक वो झगड़े के दौरान इंतकाल कर गए। सिटी कोर्ट ने इसमें शामिल मुलविस 9 नौजवान बच्चों से पूछताछ की लेकिन इसमें कोई मुजरिम नहीं मिला इन 6 सालों में। नबील 17 साल का था जो 12th क्लास में पढ़ रहा था। पंजे शाह के इलाके दोस्तों में WWE स्टाइल फाइट हुई थी जिसमें नबील अचानक बेहोश हो गया था। नबील के साथ मौजूद 9 दोस्तों ने नबील की मां से झूठ कहा कि उनका बेटा बाइक स्टंट के दौरान बेहोश हो गया, जख्मी हुए और वो इंतकाल कर गए। हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। नेहरू जू में 83 साल एशिया के हाथी उर्फ रानी और 21 साल चीता उर्फ अयप्पा गुजर गए। ये जानवरों की मरने की वजह बताई गई कि सेहत खराब थी और उम्र बढ़ रही थी। रानी हाथी सबसे ज्यादा उम्र वाली थी, जो हमेशा से मुहर्रम और बोनालो के लिए रानी हाथी को इस्तेमाल किया जाता था हैदराबाद शहर में। कोरोना वायरस महामारी के इकोनॉमी पर असर होने के बावजूद, कोरोना के वजह से कारोबारियों को नुकसान होने के बावजूद, तेलंगाना IT या ITES एक्सपोर्ट्स को इस साल 2020 और 2021 के दरमियान 1,45,522 रुपयों का फ़ायदा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 12% बढ़ावा आया है कमाई में, वो भी मुश्किल वक्त में। तेलंगाना रियासत में नए जॉब्स 46,489 लोगों को नए जॉब्स मिले हैं इस कोरोना वायरस के दौरान, करीब 7% का बढ़ावा आया है। IT या ITES में कुल जॉब्स या एम्प्लॉयड लोग 6,28,615 है। तेलंगाना इकोनॉमी नेशनल GDP अचानक ऊपर हुई है, 26 पॉइंट पर थी जिसमें से 5% का इजाफा हुआ है 2020 और 2021 में।
मिनिस्टर केटियान ने कहा कि पिछले साल 2019 और 2020 के दरमियान 4% बढ़ावा आया था। ये मुश्किल वक्त में अचानक बढ़ावा इसलिए आया है क्योंकि आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन पे दिन मजबूत हो रही है। इंटरनेट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और दीगर चीज़ों से, तो जाहिर सी बात है कि इस कोरोना महामारी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल होने से तेलंगाना में आईटी सेक्टर में तरक्की हुई है। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.